बोलो भक्तो, जय बाबा दी, जय बाबा दी, जय बाबा दी। देखो बेटा हिंदू, आपकी शादी को 10 साल हो गए, आप कब मुझे बच्चे का मुंह दिखाओगे? राहुल, आपकी पत्नी कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि उसकी बच्चेदानी में रसौली है। अगर हम इनका ऑपरेशन भी करें तो भी हम गारंटी नहीं देते कि आपकी पत्नी कभी भी माँ बन पाएगी। आइए देखते हैं राहुल के परिवार की कहानी। राहुल के परिवार में उसकी पत्नी और उसकी माँ रहती है। राहुल की शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन राहुल के घर में बच्चे की आशीष नहीं है। अब आओ हम आगे देखते हैं कि यह बच्चे की आशीष के लिए क्या क्या करते हैं। सुबह के 9 बज गए हैं, राहुल के ऑफिस जाने का समय हो गया है। राहुल जैसे ही ऑफिस के लिए जाता है तो उसको रास्ते में प्रभु के दास मिलते हैं। भाई साहब, क्या आप हमें 1 मिनट का समय दे सकते हैं? जी बोलिए। यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशी में चर्च पर एक मीटिंग करवाई जा रही है। तो मैं क्या करूं? भाई साहब, यीशु जी आपको बहुत प्यार करते हैं। अगर आप कोई भी परेशानी, दुख, बीमारी, हालात या किसी भी तरह के बोझ के नीचे दबे हो, तो हमें यीशु मसीह जी हर मुश्किल में से निकालते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे बोझ के नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और कुछ कहना चाहते हो कि मैं जाऊं? सच सच बताओ, तुमने कितने पैसे लिए धर्म बदलने के लिए? परमेश्वर ने तो कोई भी धर्म नहीं बनाया, परमेश्वर ने तो इंसान बनाया है। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए भाई, ये लो पोस्टर, परमेश्वर आपको आशीष दे। राहुल पोस्टर लेकर अपने ऑफिस चला जाता है। आइए हम देखते हैं राहुल की माँ इंदू से क्या बोलती है। बेटी इंदू, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। जी माँ जी, बोलिए। देखो बेटा इंदू, आपकी शादी को 10 साल हो गए हैं, आप कब मुझे बच्चे का मुंह दिखाओगे? मेरा तो बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है, लोग मुझे इतने ताने मार रहे हैं, पता नहीं क्या क्या शब्द बोल रहे हैं। कहते हैं कि बहन मेरी बात सुनो, हमारी बात का गुस्सा ना करना, तुम्हारे बेटे की शादी को 10 साल हो गए हैं, तुम्हारी बहू बेटे ने अभी तक तुम्हें दादी नहीं बनाया, मैं और बातें नहीं सुन सकती, जताने नहीं सुन सकती, मैं तंग आ गई हूँ ये सब सुनते सुनते। माँ जी, इसमें मेरा क्या कसूर है? ठीक है बेटा, अगर तुम्हारा कसूर नहीं है, आज मैं राहुल से बात करती हूँ। राहुल जब शाम को घर वापस आता है, आइए देखते हैं आगे। राहुल, मैं तुमसे आज एक बात करना चाहती हूँ। हाँ जी माँ, बोलिए। राहुल बेटा, मैं अब बहुत परेशान हो गई हूँ, लोगों के ताने सुनते सुनते, कोई मेरी बहू को बांस कहता है, कोई कुछ और कहता है, कोई कुछ और कहता है। अगर आप मेरी एक बात मानोगे, मुझे किसी ने एक बहुत ही पहुंचे हुए बाबा जी के बारे में बताया है, मेरे कहने पे आप एक बार उस बाबा जी को मिल लो। नहीं माँ, मुझे आज ही मेरे दोस्त ने किसी डॉक्टर के बारे बताया है, हम एक बार उस डॉक्टर से मिल लेते हैं। ठीक है बेटा, जैसा आपको सही लगे।
अगले दिन राहुल और इंदु डॉक्टर के पास जाते हैं। हाँ जी बोलिए मैम। डॉक्टर जी, हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, हम अभी तक बच्चा कंसीव नहीं कर पाए। ठीक है नर्स, इनको लैब में ले जाओ और इनके टेस्ट करो। ठीक है डॉक्टर। राहुल, आपकी रिपोर्ट 2 घंटे के बाद मिल जाएगी। आइए देखते हैं 2 घंटे बाद आपकी रिपोर्ट आ गई है। डॉक्टर जी, क्या आया रिपोर्ट में? राहुल, आपकी पत्नी कभी मां नहीं बन सकती, क्योंकि उसकी बच्चेदानी में रसौली है। अगर हम इनका ऑपरेशन भी करें तो भी हम गारंटी नहीं देते कि आपकी पत्नी कभी भी मां बन पाएगी। ठीक है डॉक्टर जी। राहुल और इंदु घर वापस आ जाते हैं। बेटा, क्या कहा डॉक्टर ने? माँ, डॉक्टर ने बोला कि इंदु कभी भी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि इंदु की बच्चेदानी में रसौलियाँ हैं। बेटा, आप एक बार बाबा जी को मिल लो मेरे कहने पे। ठीक है माँ जी। फिर अगले दिन राहुल और इंदु बाबा जी से मिलने को जाते हैं। जय बाबा जी की। आओ बच्चियों, की परेशानी है तोड़ी? बाबा जी, हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे पास अभी तक कोई बच्चा नहीं है। हम पर दया करो बाबा जी। बच्चे, इसके लिए उपाय तो है, पर उसके लिए बाबा जी के डेरे विच कुछ चढ़ावा चढ़ाना पैंदा है। बच्चे, बाबा जी आप जो भी कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं, बस हमें बच्चा चाहिए। तो फिर ठीक है बच्चा, फिर हम तुसी इदा करो, 50,000 रुपए बाबे दे डेरे दे दवो। ठीक है बाबा जी। जे लो 50,000 रुपए, क्या अब हमें बच्चे की आशीष मिल जाएगी? अजय नहीं बच्चा, बाबा ने कुछ होर भी नियम हैं। और कौन से नियम है बाबा जी? फिर सुन बच्चा, तुसी रात दे समय 1 बजे एक नींबू लैके ओदे विच 4 किल ठोकने आ, ते जिथे 4 राह वगदे होण उथे रख देना वा, ते एक शराब दी बोतल, एक काले रंग दा मुर्गा, ए सारा कुछ रख देना आ। पर याद रखना, तुसी पिछे मुड़के नहीं देखना। बाबा जी, और कोई उपाय नहीं है इसके अलावा? ले बच्चा, फिर तेनु एक होर उपाय दसदे हां, ते पक्का इलाज करदे हां। बोलो भक्तो, जय बाबे दी, जय बाबे दी। ले बच्चा, ए 10 लाचियां लै, ए 10 लाचियां 10 दिनां दे लिया, ते ए 10 लाचियां नाल तेनु बचेरी खैर मिल जावेगी। बाबा जी, सिर्फ लाचियां ही? ए बच्चा, तू इन्हां नूं सिर्फ लाचियां ना समझ, बाबिआं ने ते कई रातां जा के लाचियां तैयार कीतियां ने। बोलो भक्तो, जय बाबे दी, जय बाबे दी, जय बाबे दी। एक गल होर सुन बच्चा, एक काले रंग दे कपड़े विच बाबिआं दी राख नूं अपने डौले ना बन ली, ए बाबिआं दा आशीर्वाद है बच्चा। बाबा जी, आपने जे तो बताया नहीं कि जे लाचियां मैं खाऊं या मेरी पत्नी? ए सारा कुछ तेरी पत्नी ने करना बच्चा। बोलो भक्तो, जय बाबे दी, जय बाबे दी, जय बाबे दी। फिर राहुल और इंदु वापस घर आ जाते हैं। फिर 12 दिन बाद राहुल और उसकी पत्नी डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर जी, हम एक बार पीट टेस्ट करवाना चाहते हैं। क्या
आप फिर टेस्ट करवाना चाहते हो? आपने टेस्ट करवाया तो था। जी हाँ, फिर दोबारा टेस्ट करवाना चाहते हैं। ठीक है नर्स, इनको अंदर लैब में ले जाओ और इनका दोबारा टेस्ट करो। ठीक है डॉक्टर। राहुल, आपकी पत्नी की रिपोर्ट 2 घंटे में मिल जाएगी। आइए देखिए 2 घंटे बाद। आपकी रिपोर्ट आ गई है। डॉक्टर जी, क्या आया रिपोर्ट में? राहुल, इस बार भी बच्चेदानी में रसौली आई है। मैंने आपको पहले भी ये बताया था, आप अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये बात सुनकर राहुल और उसकी पत्नी बहुत दुखी हो जाते हैं और घर वापस चले जाते हैं। राहुल की माँ बोलती है कि क्या आया रिपोर्ट में, और राहुल बोलता है, माँ जी, इस बार भी बच्चेदानी में रसौली आई है। और राहुल की माँ बोलती है कि आप फिर एक बार बाबा जी के पास जाओ। राहुल और इंदु बाबा जी के पास जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि क्या वहां पर ना तो बाबा जी होते हैं, ना ही बाबा जी के चेले और ना डेरा। राहुल और इंदु बहुत परेशान हो जाते हैं और बहुत टूट जाते हैं और घर वापस आ जाते हैं। मैं अब थक गया हूँ तुम्हारा इलाज करवाते करवाते। तुम मेरे लिए बोझ बन गई हो। बोझ? बोझ से मुझे कुछ याद आया। इंदु, मेरे ऑफिस का बैग लेकर आओ। लो जी बैग। ये देखो इंदु, पोस्टर। कुछ दिन पहले मुझे परमेश्वर के दास मिले थे। उन्होंने मुझे बोला कि परमेश्वर तुझे बहुत प्यार करते हैं और वह हमारी सब परेशानियों से, दुखों से और सब हालातों से और बोझ से बाहर निकालेंगे। हम एक बार इन्हें कॉल करके देखते हैं। हाँ जी बिल्कुल, हम फोन करते हैं। राहुल परमेश्वर के दास से बात करते समय। पास्टर जी, मैं राहुल। कुछ दिन पहले आप मुझे मिले थे। मैं बहुत परेशान हूँ, दुखी हूँ। क्या आप हमारे घर में आ सकते हैं? ठीक है राहुल जी, हम आपको कल मिलते हैं। अगले दिन पास्टर जी राहुल के घर जाते हैं। आओ जी आओ पास्टर जी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। आइए बैठ लो। इंदु, जल्दी से पानी लेकर आओ। पानी रहने दो, पहले आप अपनी परेशानी बताओ। परेशानी की बात तो बताते हैं, उससे पहले मैं आपसे माफी मांगता हूँ। जो उस दिन मैंने आपसे बुरा भला बोला था, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर की ओर से है। अब आप अपनी परेशानी बताइए। हमारी परेशानी ये है कि हमारी शादी को 10 साल हो गए, पर हमें कहीं से भी बच्चे की आशीष नहीं मिली। हम बहुत टूट गए हैं। सुनो फिर, परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र कुर्बान कर दिया। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें तो प्रभु आपको जरूर बच्चे की आशीष देंगे। अगर हम प्रभु पर विश्वास करें तो हमें सच में बच्चे की आशीष मिल जाएगी? हाँ जी बिल्कुल मिल सकती है।
तो ठीक है, हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। देखो ब्रदर, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बच्चे यहोवा के दिए हुए बाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, अपनी आंखों को बंद कीजिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इन बच्चों की आशा अब संसार से नहीं आपसे है। और जैसे आपके वचन में लिखा है कि बच्चे यहोवा की ओर से मिरास हैं, आप इन्हें बच्चे की आशीष दे चुके हो और ये अपनी गवाही से आ चुके हैं। आमीन। ठीक है, अब आप लगातार चर्च में बने रहें, परमेश्वर आपको आशीष दें। वह एक महीने तक परमेश्वर में बने रहते हैं, विश्वास में बने रहें, लगातार चर्च आते रहें और हर एक मीटिंग को अटेंड करते थे और प्रभु के दास से हर एक वचन को सीखते थे और लगातार प्रार्थना करते रहे। फिर राहुल और इंदु फिर डॉक्टर के पास दोबारा जाते हैं। आप फिर आ गए? मैंने आपको कितनी बार बताया है कि आपकी पत्नी कभी माँ नहीं बन सकती। आप अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो राहुल? इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर मुझे बच्चे की आशीष दे चुके हैं। ठीक है, कर देते हैं टेस्ट। नर्स, इनका दोबारा टेस्ट कीजिए। राहुल, आपको 2 घंटे में रिपोर्ट मिल जाएगी। आइए देखिए 2 घंटे बाद। डॉक्टर, इस बार क्या आया है रिपोर्ट में? ये कैसे हो गया? ये तो इम्पॉसिबल था। आपकी रिपोर्ट तो पॉजिटिव आई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप माँ बनने वाली हैं। हमें ये आशीष प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिली है। 9 महीने बाद इंदु और राहुल चर्च में अपने जीवन की गवाही देते हुए आइए देखते हैं। पास्टर जी, इनकी गवाही ये है कि 10 साल से इनके पास बच्चे की आशीष नहीं थी। जो बहुत सारे डॉक्टरों के पास भी गए अपना इलाज कराने के लिए और इन्होंने सियाने बाबों के पास भी गए, उनको भी बहुत सारा इन्होंने पैसा दिया, फिर भी इनके पास आशीष नहीं आई। जो बहुत परेशान हो चुके थे, जो टूट चुके थे कि 10 साल हो गए इनके पास बच्चे की आशीष नहीं है। फिर इनके पास प्रभु यीशु की गुड न्यूज पहुंची, जैसे इन्होंने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया और आज ये चर्च में अपनी गवाही देने के लिए आए कि परमेश्वर ने 10 साल बाद परमेश्वर ने इनको बेटे के साथ ब्लेस किया है। हम सब तारीफ करेंगे। यहोवा की खुशियां में खाना।